अगला बच्चे टॉपिक हैगा साडा पार्थिनो जिनेसिस। ठीक है जी, अगला टॉपिक की है साडा पार्थिनो जिनेसिस। ठीक है जी, पार्थिनो जिनेसिस की होंगे है, डेफिनेशन देख लेंगे पहला। ठीक है जी, पार्थिनो कहता की है, इट इज़ द डिवेलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज अव्यूम इनटू अ फुली फॉर्मड हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, सो इज कॉल्ड मोनोपेरेंटल। समझाना मैं की होंगे है। ठीक है जी, कितने पाई जाती है, यह ज़्यादातर हनी बीज वैस बै वैप्स हो वैस्प होए जो भी आ रोटरीफर्स होंगे आ एम्फिड्स जोड़े इनवर्टिब्रेट्स होंगे आ। ठीक है, उन्होंने यह पाई जाती है। ठीक है, दो तरह की होंगी है, नैचुरल पार्थिनोजेनेसिस ये बहुत बार आया हुआ, दैन दूसरा हैगा साडा आर्टिफिशियल और इंडिविजुअल इंडिविजुअल सॉरी इंड्यूस्ड पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है जी, ठीक है, की है साडा बच्चे टॉपिक पार्थिनो जिनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस की होंगी है, ठीक है, तुहानू मैं दस्या भी अनफर्टिलाइज्ड अव्यूल अनफर्टिलाइज्ड अव्यूम। ठीक है, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड। हुण देखो अनफर्टिलाइज्ड अव्यूम की हुंदा है। ठीक है बच्चे, देखो मान लो मेरे को कोई गैमीट आ, ठीक है, आ मेरे को एक गैमीट आ, गैमीट आ, कोई भी सैल आ, जिस तरह मैं फीमेल की गल करा, फीमेल गैमीट है मेरे को ओव्यूम। ठीक है, ओव्यूम है बच्चे, ये उदों तक इहदा इहने कुछ नहीं बनना जदों तक ये मेल गैमीट दे नाल फर्टिलाइज नहीं करता। मेल गैमीट केड़ा, स्पर्म। ठीक है जी, स्पर्म दे नाल जदों तक ये फर्टिलाइज नहीं करता, ये जिहड़ा ओव्यूम आ ये नथिंग आ, कुछ नहीं आ, ये की आ कुछ नहीं है, नथिंग आ ये। ठीक, कदों तक, जदों तक यह स्पर्म दे नाल फर्टिलाइजेशन नहीं करता। ठीक है, पर पार्थिनोजेनेसिस की हुंदा आ, पार्थिनो इहदा मतलब ये जिहड़ा फर्टिलाइज्ड ओव्यूम आ, क्योंकि यह जदों तक स्पर्म दे नाल, ठीक है, मतलब नहीं यह फर्टिलाइजेशन करता। पर इस केस दे विच की आ, पार्थिनोजेनेसिस केस दे विच की आ, भी ये जिहड़ा ये अव्यूम आ यह अपने आप ही पूरा दा पूरा इंडिविजुअल तैयार कर देता, इंडिविजुअल तैयार कर देता। बच्चे जदों देखो तुहाडा मैं जिन्ना भी सिलेबस तुहाडा करवाना सी, पता नहीं हजे तक किन्नी देर तक लॉकडाउन चलना है। ठीक है, वीडियो नूं तुसीं चंगी तरह देखना है, ये जे दे विच जिहड़ी भी प्रॉब्लम आती है उहनूं तुसीं अपनी नोट डाउन अपनी कापी ते नोट करी जाना है, ते कोई भी प्रॉब्लम हो असीं बाद दे विच डिस्कस कर लवांगे। फिलहाल तुसीं जिन्ना तुहानूं समझ लगता उन्ना करी जाओ नाल नाल। ठीक है, नुकसान ना अपना करायो, क्योंकि पेपर तुहाडे बच्चे होणे आ ते बोर्ड दी तुहाडी इह तैयारी आ, समझ लो। ठीक है, सो सीरीयस हो के टैसट की भी तैयारी नाल नाल अपनी तुहाडी जिहड़ी करानी इह नाल मैं। ठीक है जी, सो डायरैक्ट अव्यूम ही कहिंदा की आ इंडिविजुअल जिहड़ा उह बण जांदा, उस प्रोसैस नूं असीं बोलदे आ पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है जी, उस प्रोसैस में असं की बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। आ देखो डिवेलपमेंट के विच उही लिखा है, कहिंदा इट इज़ दी डिवेलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड अव्यूम इन टू अ फुली फॉर्मड हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम। फिर हैप्लॉयड होया है, ठीक है, हैप्लॉयड ही आ। ठीक है, क्योंकि डिप्लॉयड कदों बनना ही जो मेल दे नाल इन्हें फर्टिलाइज करना सीगा, पर यह हैप्लॉयड बॉडी ही फुली फॉर्मड ऑर्गेनिज्म तैयार कर दिंदी है, उन्होंने असं बोलते हैं। एग्जाम्पल के पता लगेगा, ये दो तरह की होंगी बच्चे, दो तरह की होंगी है, नैचुरल दूसरी होंगी है आर्टिफिशियल। ठीक है जी, आर्टिफिशियल, नैचुरल एंड आर्टिफिशियल। नैचुरल पार्थिनोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, यदि चंगी तरह ध्यान में समझ लियो। कहिंदा की आ, इहदे विच कहिंदा की आ, इह रैगुलर हुंदी आ, किहदे विच हुंदी आ ज़्यादातर, असी ना तुसी सारे ने मधुमक्खियां दा छत्ता सारे ने देखिया आ, हनी बीज नूं है ना बोलते हैं, इहदे विच की हुंदा बच्चे ध्यान में समझ लियो।
ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਨੀ ਬੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਨੀ ਬੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਰਟਾਈਲ ਕੁਈਨ ਆ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਰਟਾਈਲ ਕੁਈਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਗ। ਫਰਟਾਈਲ ਕੁਈਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਗ। ਜਿਹੜੀ ਫਰਟਾਈਲ ਕੁਈਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਹਨੀ ਬੀ, ਹਨੀ ਬੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੁਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੁਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਈਨ, ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਲਾਰਵਾ ਫਰੋਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਡਿਵੈਲਪ ਇਨ ਟੂ ਆਈਦਰ ਇਨ ਕੁਈਨ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਇਲ ਜੈਲੀ, ਰੋਇਲ ਜੈਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਛੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾ ਐਗਾਂ ਨੂੰ, ਐਗਸ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਸ ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਐਗਸ, ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗਸ ਅਤੇ ਅਨਫਰਟਲ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕੁਈਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਇਲ ਜੈਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਦੈਨ ਫੀਡ ਔਨ ਰੋਇਲ ਜੈਲੀ, ਠੀਕ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਨ ਟੂ ਵਰਕਰ, ਇਨ ਟੂ ਵਰਕਰ ਵੈਨ ਫੀਡ ਔਨ ਬੀ ਬ੍ਰੈਡ, ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਤੋਂ ਕੁਈਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਇਲ ਜੈਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਵਰਕਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਰਕਰਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਛੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਕਰ ਵੀ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ 'ਤੇ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਹਨੀ ਬੀ ਆ, ਕੁਈਨ ਆ, ਕੁਈਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ, ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਈਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਇਲ ਜੈਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਵਰਕਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਦੀ ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਡਿਵੈਲਪ ਇਨ ਟੂ ਡਰੋਨਸ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਈ ਆ, ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਡਰੋਨਸ, ਡਰੋਨਸ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਡਰੋਨਸ, ਸੋਰੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਡਰੋਨਸ, ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਡਰੋਨਸ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਡਰੋਨਸ ਬਣ ਗਏ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ, ਬਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਰੋਨਸ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਐਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਡਰੋਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਈਨ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਰੋਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ, ਕੁਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਈਨ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ, ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਲਟ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ
कोई पाने कोई कोई एसिड या कोई है ना कोई सक्रोज मटीरियल को कुछ भी आर्टिफिशियल कहना की आ इन दिस एग्स और सम नॉर्मली सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल मीन टू डिवेलप पार्थिनोजेनेटिकली जिन्होंने असी आप कुछ ना कोई कैमिकली तैयार करते हैं वो आ सकता साल्ट आ सकता वीक एसिड आ सकता ऑरगेनिक सॉलवेंट्स आ सकते हैं ठीक है जी ये साडा पार्थिनोजेनेसिस। उस तो बाद बच्चे है एग्जाम्पल्स एडवांटेजेस एडवांटेजेस बच्चे की आया कुछ नहीं है इन्हों रीड कर लियो पढ़ लियो इन्होंने एक बार बच्चे कुछ नहीं आए डिसएडवांटेजेस की है ये भी दस दें चलो फिलहाल समझा माड़ा माड़ा कहना की आ अवॉयड द वेस्टेज ऑफ जर्म प्लाज एंड स्पर्म एंड ओवा ये वेस्टेज बहुत घट होंगी है स्पर्म तो ओवा की सो हाई रिप्रोडक्टिव ठीक है जी देयर इज़ नो चांस ऑफ सैपरेशन ऑफ यूजफुल कंबीनेशन ऑफ जीन ठीक है जी ये ज़्यादातर कंबीनेशन ऑफ जीन्स है ना ज़्यादा सैपरेट नहीं होंगे बाय क्रॉसिंग ओवर आर ट्रांसमिटेड एज सच जीन्स जिधर जिधर चाहिए उदो ही क्रॉसिंग जी होनी है ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट्स ये ऑफस्प्रिंग सिमिलर होंगे है ठीक है जी इट परमिट्स इस्टैबलिशमेंट ऑफ ट्रिपलॉयड एंड यूपलॉयड क्रोमोजोमल कंबीनेशन ये अगे बच्चे जाके पढ़ा क्रोमोजोमल कंबीनेशन यूपलॉयड की होंगे जो क्रोमोजोम्स के नंबरिंग चेंज आ जाए ठीक है तो उन्होंने असी बोलते हैं यूपलॉयड कमरो हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस इज डायरैक्ट प्रूफ ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ सैक्स डिटरमीनेशन ये भी अगे समझाऊंगा जाके फिलहाल जा डिसएडवांटेज की है स्टॉप द चांसिस ऑफ न्यू कंबीनेशन ऑफ जीन्स मतलब नवे नवे कंबीनेशन बनते नहीं ये इस करके यही डिसएडवांटेज ठीक है जी ठीक है बच्चे लास्ट टॉपिक है साडा सैक्शुअल डायमोरफिजम ये सिंपल याद कर लेना है सैक्शुअल डायमोरफिजम कहता की है कहता ह्यूमन बीइंग्स लाइक मोस्ट ऑफ मैमल्स आर यूनीसैक्शुअल ठीक है यूनीसैक्शुअल दस्या तुहानू टर्म डायोशियस भी दस्या की हुंदा है वक्रे वक्रे सैक्स है ना सैपरेट सैक्स होंगे जिहदे विच ईच ह्यूमन बीइंग्स हैज़ ओनली आइदर मेल और फीमेल गोनेट्स रिप्रोडक्टिव डक्ट एक्सेसरी ग्लैंड्स ठीक है सैक्शुअल डायमोरफिजम सिंपल याद रखना भी तुसीं देखो मेल भी बनता है ह्यूमन बीइंग्स दे विच मेल भी बनता है तो फीमेल भी बनता है ठीक है मेल बखरे ऑर्गन बनाता है फीमेल बखरे ऑर्गनस द्वारा अपने गैमीट्स बनाते हैं है ना सो उन्होंने असी बोलते हैं सैक्शुअल डायमोरफिजम सिंपल याद यही रखना तो सैक्स हॉर्मोन छड़दे आ ठीक है तो उन्होंने कि ऑर्गनस होंगे आ जोड़े कई असी सेकेंडरी सैक्स ऑर्गनस बोलते हैं ये अगर डिटेल करा असी इन्हों की ठीक है तो डुअल करैक्टर मतलब देखो ह्यूमन बीइंग्स दे विच दो करैक्टर आ गए टू सैक्सिस आर आलसो डिफरेंट इन देयर सर्टेन एक्सटरनल मॉरफोलॉजिकल फीचर्स कॉल्ड सेकेंडरी और एक्सेसरी सैक्सुअल करैक्टर वाइल दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सैक्सुअल डायमोरफिज्म तुम देखो जे मेल बन गया तो मेल के करैक्टर दे या जे फीमेल बन गया तो फीमेल के करैक्टर है ना सैक्चुअली अलग हो गए ना दो करैक्टर है सैक्चुअली रिलेटड ठीक है बट दो करैक्टर जोड़े आ जे मेल बन गया तो मेल वाले करैक्टर आने हैं जे फीमेल बन गया तो फीमेल वाले करैक्टर ठीक है बट रिलेट के सैक्चुअली ठीक है जी तो उन्होंने असं बोलते हैं सैक्चुअल डायमोरफिजम ठीक है आ देखो यदा डिफरेंसिस दसिया हो ठीक है मेल के एंड फीमेल के तो ही कर लेना है मैं तुम्हें भेज दूंगा ठीक है जी सो ये चैप्टर बच्चे साडा क्लोज आ ये चंगी तरह कर लेना ठीक है जी थैंक यू।